Now this is our first chapter of our English tutor, True Friends. I will explain this to you in Hindi, okay? So let's start. This is a story about two friends who lived in Pune named Abhinav and Saurabh. They were each other's favorite and really enjoyed the time spent together. ये स्टोरी दो दोस्तों के बारे में है जो कि पुणे में रहते हैं. एक का नाम है अभिनव, एक का सौरभ. देवर ईच अदर्स फेवरेट, वह एक दूसरे के फेवरेट हैं और इन्जॉय करते हैं टाइम स्पेंड करना. वन फाइन मॉर्निंग दे डिसाइडेड टू गो टू द फॉरेस्ट फॉर अ वॉक सिंस बोथ वर टायर्ड ऑफ हेक्टिक लाइफ ऑफ द सिटी. तो एक सुबह वो डिसाइड करते हैं कि हम ना फॉरेस्ट जाएंगे क्योंकि वो दोनों ही अपनी सिटी लाइफ से परेशान थे. अभिनव सेट लेट अस गो टू द टीक फॉरेस्ट. अभिनव कहता है चलो हम टीक फॉरेस्ट चलते हैं. सौरभ आई डोंट लाइक द लाइफ ऑफ द सिटी एनी मोर. सौरभ कहता है मुझे वैसे भी अब सिटी की लाइफ पसंद नहीं आ रही. वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम द डेली रूटीन. और मैं अपनी डेली रूटीन से ब्रेक लेना चाहता हूँ. देयर वी कैन बी क्लोज टू नेचर. वहाँ हम नेचर के क्लोज होंगे और अपनी सारी चीज़ और बाकी जो सिटी लाइफ की परेशानियाँ वो भूल जाएंगे. वी कैन सी द राइजिंग सन, फ्लावर्स ब्लूमिंग, बटरफ्लाइज फिलिंग अराउंड द फ्लावर फॉर नेक्टर एंड कैन इवन लाई ऑन द मूस कवर्ड ग्राउंड. कहते हैं वहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा, उगता हुआ सूरज और खिलते हुए फूल, बटरफ्लाई जो कि ट्री फ्लावर्स के इधर उधर घूमती हैं उनके नेक्टर के लिए. नेक्टर होता है हनी, मतलब कि फूलों का जो रस होता है. एंड इवन लाई ऑन द मूस कवर्ड ग्राउंड और वहाँ गीली घासों के ग्राउंड पे भी बैठ सकेंगे. दैट्स वंडरफुल आइडिया सेट सौरभ. ये सौरभ बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. आई टू एम टायर्ड. वो कहता है मैं भी बहुत थक चुका हूँ. द फॉरेस्ट इज़ परफेक्ट प्लेस टू रेस्ट. और जो फॉरेस्ट है एक परफेक्ट प्लेस हो जाएगा जहाँ हम आराम कर सकें. एक्साइटेड विद द आइडिया ऑफ स्पेंडिंग डे इन द फॉरेस्ट. वे ये सोचते हैं कि हम फॉरेस्ट में एक रेस्ट लेंगे. तो ये जो आइडिया है वो उन्हें एक्साइट कर देता है. दे स्टार्ट देयर जर्नी क्रॉसिंग द मिड रिंग रोड. तो वह अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं. वह जब स्टार्ट करते हैं तो मतलब ए टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं और देयर आइज क्रेविंग टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ द डिस्टेंट ट्री टॉप्स. और उनकी आंखें मतलब वो ट्रीज के जो ऊंचाई को देखना चाहती है. देयर हार्ट बीट फास्ट एज दे ड्रू क्लोजर टू द वुड्स. और वह मतलब हार्ट बीट फास्ट का मतलब यहाँ पे वह बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, खुश होने लगते हैं, जैसे कि वो पेड़ों के या मतलब लकड़ियों वगैरह के पास आने लगता है. उन्हें लगता है कि अब फॉरेस्ट आने वाला है. अभिनव सेट इट हैज़ बीन मोर देन अ मंथ सिंस आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई बुक्स एंड कुड नॉट रिलैक्स इवन फॉर अ सिंगल मिनट. अभिनव कहता है मतलब कम से कम एक महीना हो गया है मैं अपनी बुक्स पे काम कर रहा हूँ और मैंने एक भी मिनट रिलैक्स नहीं किया है. माई हेड इज़ कवर ओवर ऑक्यूपाइड. मेरा जो दिमाग है मतलब भर चुका है पूरी तरीके से. विथ सो मैनी स्ट्रीम्स ऑफ नॉलेज, मतलब बहुत तरह की नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल थाट और कई तरह के थाट के साथ. दैट आई एम एफ्रेड इट विल बस्ट वन डे. और मुझे तो अभिनव कहता है मुझे डर लग रहा है इन सब चीज़ों के बाद मेरा दिमाग एक दिन फट जाएगा. सौरभ सेट सैडली. सौरभ थोड़ा दुख के साथ कहता है आई हैव वर्क लाइक अ बोट्समैन. बोट्समैन मतलब कि स्लेव. कहता है कि मैंने भी एक स्लेव की तरह काम किया एट माई काउंटर, मतलब कि अपने ऑफिस डेस्क की बात कर रहा है. एंड डिड नॉट गेट एनी अप्रिसिएशन फॉर इट. और मतलब उसने एक स्लेव की तरह काम किया दिन रात, लेकिन फिर भी उसको अप्रिसिएशन मतलब कि उसे कुछ भी अच्छा नहीं मिला. आई टू फाउंड वर्किंग देयर एज बोरिंग एंड डल एज यू फाउंड योर बुक्स. तो सौरभ कहता है मुझे भी जैसे तुम्हें अपनी बुक्स के साथ लग रहा है ऐसे ही मुझे भी बहुत ही बोर और डल लग रहा है अपनी जॉब के साथ. माय बॉस इज़ वेरी अनकाइंड टू मी टुडे. आई एम फीलिंग सो लाइट दैट एटलीस्ट फॉर अ डे आई कुड कीप अवे फ्रॉम द बॉस. तो सौरभ कहता है वैसे भी जो मेरा बॉस है बहुत ही अनकाइंड है. अनकाइंड मतलब बहुत ही अच्छा व्यवहार नहीं करता एकदम. और वह बहुत अच्छा आज बहुत अच्छा फील कर रहा है क्योंकि वह उससे दूर है. अभिनव एंड सौरभ रीच द बॉर्डर ऑफ द कॉप्स. कॉप्स मतलब कि ग्रुप ऑफ ट्रीज. तो अभिनव और जो सौरभ हैं वो एक छोटे से पेड़ के समूह के पास जाते हैं, उसे क्रॉस करते हैं एंड वॉक्ड अमंग द ट्रीज एंड शब्स. और बहुत से पेड़ों और छोटे छोटे पेड़ों से वो गुजरते हैं. बोथ द फ्रेंड वॉक द आर्स टुगेदर. दोनों बहुत ही काफ़ी समय से चल रहे थे एंड वर सो हैप्पी टू बी इन द मिडस्ट ऑफ द नेचर. और वह बहुत खुश थे क्योंकि वह नेचर के बीच में है.
विच हैड अ रिदम ऑफ इट्स ओन, जिसकी अपने आप में एक रिदम है. द वाटर दैट फ्लोड इन द स्ट्रीम सडनली सीम टू रश बाय एज द पाथ नैरोड एंड द जेंटल स्ट्रीम ट्रांसफॉर्म्ड इन टू अ गशिंग ब्रोक ट्रम्बलिंग ओवर स्मूदनिंग ग्रॉस कैस्केटिंग इन बबल फ्रॉथ एंड इट्स मीडर्ड एंड फेल जेंटली टू अ लोअर लेवल टू वंस अगेन फ्लो इन अ जेंटल कैरकेड. मच लाइक दैट देयर ओन लीव्स lives they thought Saurav was quick to observe. That rock is like my boss, an impediment, but the water just flowed away. Look at the flurry with which the water flowered, hesitated its place, then falling below. तो वो बोलते हैं कि द वाटर वर दैट फ्लोड इन द स्ट्रीम, जो पानी बह रहा था सडनली क्या होता है वो एक छोटी सी धारा में बन जाता है, मतलब एक छोटे से रास्ते में चला जाता है. पाथ टू रश बाय एज द पाथ नैरो, मतलब एक पतली सी रास्ते में बह जाता है. एंड द जेंटल स्ट्रीम ट्रम्बलिंग ओवर स्मूद एंड रॉक्स, और जो वो धारा होती है फिर वो क्या होती है एक ट्रांसफॉर्म होती है, ट्रांसफॉर्म इनटू अ गशिंग ब्रुक, मतलब कि एकदम नीचे गिरती है बौछार की तरह. ट्रम्बलिंग ओवर स्मूथ रॉक्स, और क्या पत्थरों पे गिरती है. कैस्केटिंग इन बबल फॉर्थ, और क्या प्रोड्यूस करती है, जैसे एकदम से जब पानी गिरता है तो एकदम बबल आते हैं वो होने लगता है, क्योंकि वो एक पत्थरों पे गिरती है. ओवर स्मूदिंग रॉक्स, स्मूदिंग रॉक्स मतलब कि चिकने पत्थरों पे, क्योंकि पानी गिर गिर के वो पत्थर चिकने हो जाते हैं. कैस्केडिंग यहाँ मतलब है एक वाटरफॉल बना देती है वहाँ पे, जैसे कि ऊपर से पानी गिरता है एक रास्ते में से और एकदम से नीचे बौछार हो जाती है बबल्स की, फिर वह एक वाटरफॉल बन जाता है. At is maiden and fall gently to a lower level to once again flow in a gentle current. और उसके बाद फिर वह आराम से बहता है gentle cascade cadence, मतलब कि एक रिदम के साथ. फिर वह जैसे पहले बह रहा था फिर रास्ते में वो नीचे गिरा एकदम, फिर अपना बहना शुरू कर देता है जैसे कि उसकी खुद की लाइफ हो. दे थाट सो लाइक देयर ओन लाइफ दे थॉट, जैसे कि उनकी खुद, तो ये चीज़ें कौन देखता है, सौरव और अभिनव देखते हैं, जैसे कि उनकी लाइफ के साथ हो रहा है तो ये अपने आप को वो लोग महसूस करने लगते हैं. सौरव वॉज क्विक टू ऑब्जर्व, सौरव जो है एकदम से, मतलब जब वो ये सब देखता है तो वो ऑब्जर्व करता है. द रॉक इज़ लाइक माई बॉस, जो वो पत्थर थे जिसपे वह धारा गिर रही थी वो उसके बॉस की तरह थे. क्यों? एंड दैट रॉक इज़ लाइक माई बॉस एंड इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट मतलब कि हर्डल, जो कि पानी को मतलब थोड़ा स्लो कर रहे थे, क्योंकि जब ऊपर से पानी गिर रहा था उन पत्थरों पे तो थोड़ा पानी स्लो हुआ फिर बहने लगा. तो इसी तरीके से सौरव सोचता है कि मेरा जो बॉस है वो पत्थर है, क्योंकि वह उसके आगे बढ़ने में उसे रोक रहा था. बट द वाटरफॉल जस्ट फ्लोड एनी वे, लेकिन फिर भी जैसे उस नदी के, जैसे उस धारा के पत्थर पे गिरने के बाद वह फिर से अपना रूप ले लेती है, वैसे ही सौरव कहता है कि वो सोचता है कि मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए. लुक एट द फ्लरी विद विच द वाटर फ्लोड हैज टेंडिंग इट्स स्पेस एंड देन फॉलिंग बिलो, तो वो देखता है कि देखो कितना अच्छा है ये कि वह धारा उस पत्थर पे गिरी, उस पत्थर ने उसे रोका भी लेकिन फिर भी वो बहता चला जा रहा है. तो ये देख के उसे बहुत अच्छा लगा, उसे अब ये समझ में आया कि हमें भी रुकना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ से. इट सीम टू मी दैट द रॉक ब्रॉट अबाउट अ चेंज ऑफ पेस एंड एडवेंचर इक्विप्ड अभिनव, तो मजाक करते हुए अभिनव कहता है कि जो रॉक्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, चेंज ऑफ पेस मतलब हमारे मतलब ये जगह बदल देते हैं, और क्या होते हैं, एडवेंचर होता है इनकी वजह से, मतलब कि जैसे कि जो धारा थी वो इस पे गिर रही थी तो जिससे क्या हुआ उनका पाथ चेंज हो गया, उनकी जगह चेंज हो गई, और क्या हुआ एडवेंचर हो गया कि वो किस तरीके से स्लो हुए. तो ये जो रॉक्स हैं वो किसको रिजेंबल करते हैं, चेंज ऑफ पेस को और एडवेंचर को.